गुड मॉर्निंग बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में विस्कोसिटी स्टार्ट किया था, ठीक है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें विस्कोसिटी स्टार्ट किया था और विस्कोसिटी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने कर लिए हैं। आज क्या करना है अपने को विस्कोसिटी के एप्लीकेशंस देखने हैं। अच्छा, संडे को मैंने एक टेस्ट लिया था, कुछ लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट भी किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं। मतलब अभी ऐसा है ना कि मेरे को लगता है 15 से 20 लोगों ने इसमें टेस्ट दिया होगा मेडिकल वाले बैच में, और 10 से 15 लोगों ने टेस्ट दिया है जेई बैच में, और बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। वो लोग लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ाई करेंगे। उनकी पढ़ाई की भी लॉकडाउन हो गई है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ रहे हैं अब उनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम नहीं पढ़ रहे हो भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुमको जैसे बर्बाद करना है बर्बाद करो, ठीक है। तुमको मैं इससे ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, बार बार समझा दिया, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता भाई। बार बार मैं बता रहा हूँ कि लॉकडाउन है, पढ़ लो, मैक्सिमम पढ़ सकते हो अभी, ठीक है। तुम अगर ये बोल रहे हो सर मन नहीं लग रहा, भाई देखो मैंने हमेशा बताया है ना, पहले क्या करना होता है, स्टार्टिंग में आपको बैठना पड़ता है ज़बरदस्ती का, बैठो। जैसे ही आप बैठने का हैबिट में आ जाओगे ना, तो खुद ब खुद वो आदत बन जाएगा, उसके बाद से ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तुम एक हफ्ते लगातार बैठ के तो देखो स्टडीज करने के लिए, जैसे ही तुम एक हफ्ते लगातार बैठना स्टार्ट करोगे फिर वो आदत बन जाएगी, फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तुम अच्छी आदत स्टार्ट क्यों करोगे, बहुत सारी दुनिया में बातें हैं जिंदगी बर्बाद करने के लिए, पढ़ाई करके आबाद करने से क्या फ़ायदा, बर्बाद कर लेते हैं, अच्छे से बर्बाद करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा लाइफ में, ठीक है। एंजॉय करो, तुम लोग जो नहीं पढ़ रहे उनको अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। अपन क्या कर रहे थे, विस्कोसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। और विस्कोसिटी में कुछ बातें अगर मैं आपको याद दिला दूं, तो विस्कोसिटी क्या है, जैसे सॉलिड सर्फेसेस में एक सॉलिड का सरफेस जब दूसरे सॉलिड के सरफेस पे स्लाइड करता था तो एक फोर्स जनरेट होता था जो उसके स्लाइडिंग मोशन को रोकने की कोशिश करता था, उस स्लाइडिंग फोर्स को ही हमने क्या बोला था, फ्रिक्शन, ठीक है। अब जैसा फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड सर्फेसेस में होता था, वैसा ही एक फोर्स लिक्विड सर्फेसेस में भी डेवलप होता है। लिक्विड का जब एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो लिक्विड्स में भी क्या होता है, एक पीछे रोकने वाली फोर्स जनरेट होती है जो उसके स्लाइडिंग मोशन को अपोज करती है। अब ये जो फोर्स जनरेट होता है जो लिक्विड के स्लाइडिंग मोशन या लिक्विड के अलग अलग सर्फेसेस के रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी को सबसे पहले न्यूटन ने फाइंड किया था, मतलब सबसे पहले न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट किया था, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था विस्कोसिटी का। अच्छा, अब ये विस्कोसिटी जो होगा ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं विस्कोसिटी के, मैंने पहले भी एग्जांपल्स तुमको बताए थे, जैसे पहले भी एग्जांपल्स क्या थे, तुम हनी का ड्रॉप देखो और लिक्विड का पानी का ड्रॉप देखो, पानी का ड्रॉप फनल में बहुत ही आराम से गिर जाता है, लेकिन जो हनी का ड्रॉप है वो एकदम मजे लेके आराम से धीरे 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 एक जमाने के बाद नीचे गिरता है। तो ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसीलिए होता है कि विस्कोसिटी हनी का ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो वो क्या करता है, आराम से गिरता है। पानी के केस में विस्कोसिटी कम है तो वो क्या करता है, रैपिडली फॉल हो जाता है। ये एक एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, स्विमिंग अगर मैं बताऊं तो जो क्लियर वाटर होता है ना, जहां पे वाटर साफ होता है वहां पे स्विम करना बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन अगर कीचड़ वाला पानी है, मैंने तुमको बोल दिया कि तुमको भाई वहां पे स्विम करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम होगा क्या। और रनिंग में भी अगर तुम देखोगे ना, तो जब आप ग्राउंड में रन करते हो, जो फ्लूइड क्या, एयर भी एक फ्लूइड हो सकता है, जब ग्राउंड में रन करते हो तो एयर के अगेंस्ट रन करते हो, वो रन करना बहुत ही इजी है इन कंपैरिजन। जब जो एथलीट्स वगैरह होंगे ना, आप देखना बीच के पास में, जैसे मैं जहां मेरी जहां पे कॉलेज थी वहां पे एक बीच था, तो बीच के पास में सुबह सुबह वो जो एथलीट्स वगैरह होते थे या जो वो जो मिलिट्री के लिए जो लोग ट्रेनिंग करते थे, वो लोग क्या करते थे, बीच के पास दौड़ते हुए दिखते थे हम लोग को सुबह सुबह। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि वो एयर में दौड़ना जो होगा वो आसान हो जाएगा अगर उनकी प्रैक्टिस बीच में दौड़ने की हो जाएगी। और तुम खुद भी देख सकते हो, जब बारिश के दिनों में पानी जम जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, दाग अच्छे हैं भाई, इसलिए नहीं,
चलना मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि पानी भर गया है। पानी के अगेंस्ट मूव करना ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू मूविंग अगेंस्ट एयर। तो ये सब किस बातों पे डिपेंड कर रहा है? ये सब डिपेंड कर रहा है फ्लूइड के विस्कोसिटी पे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी क्या है? तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को। विस्कोसिटी मतलब सिंपल सा, जब भी दो लिक्विड के सरफेस या एक लिक्विड का सरफेस और एक सॉलिड के सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग जनरेट होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव स्लिपिंग एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, फॉर्मूला हमने ये यूज किया था, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा ए डीवी अपॉन डीवाई। अब ये ईटा क्या है? ईटा एक कांस्टेंट है, ईटा एक कांस्टेंट है जिसको हमने बोला था कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो है ना वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ये जो ईटा है वो क्या है? कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, जैसे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता था काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइड जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता था कि ना कौन से दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है, इस बात पर डिपेंड करता था कि म्यूएस और म्यूके का वैल्यू अपने को क्या लेना होता है। उसी तरह ईटा जो लिख रहे, ईटा जो लिखते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, विस्कस फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ए यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए यहां पर क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए थे। मैंने न्यूमेरिकल्स के लिंक क्लासरूम ऐप में अपलोड नहीं किया था, आज मैं न्यूमेरिकल्स के लिंक क्लासरूम ऐप में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से न्यूमेरिकल चेक कर लेना विस्कोसिटी पे। अब यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है ना, मान लो एक लिक्विड ऐसे ऐसे सरफेस है और इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, हमने क्या कर दिया यहां पर इस लिक्विड सरफेस में एक ऐसा प्लेट रख दिया। अब ये जो प्लेट है, प्लेट का एरिया कितना है? ए। जो प्लेट है, प्लेट का एरिया कितना है? ए। और ये प्लेट को ऐसा रखा, ये प्लेट है लिक्विड के सरफेस पे ऐसा रखा हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या, कैसा रखा हुआ है? ये मान लो ये लिक्विड का सरफेस है, थ्री डायमेंशनल में ऐसे लिक्विड का सरफेस है और प्लेट को ऐसा रखा हुआ है। तो ये जो एरिया लिख रहे हैं वो कौन सा एरिया लिख रहे हैं? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो एरिया हम मेंशन कर रहे हैं वो प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया या लिक्विड सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कॉन्टैक्ट में है। ठीक है। अच्छा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, यही क्या करता है, जैसे कॉलेज के एग्जाम में आप चाहो तो ये नोट कर लेना, कॉलेज के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं भाई कि विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो फ्रिक्शन फोर्स जब आपने देखा था, तो फ्रिक्शन फोर्स दो सॉलिड सर्फेसेस के बीच में होता है, ये पहला पॉइंट अपन याद रखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स दो सॉलिड सर्फेसेस के बीच में होता है। विस्कस फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स दो लिक्विड सर्फेस के बीच में या एक लिक्विड या और एक सॉलिड सर्फेस के बीच में जनरेट होता है। ठीक है। अच्छा, जो फ्रिक्शन फोर्स था, जो फ्रिक्शन फोर्स था वो कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड करता था क्या? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स कभी भी कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता था। अपने को ऐसा लगता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, लेकिन फोर्स परेंट एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था क्या? मैंने ये तुमको बताया है जब मैंने फ्रिक्शन समझाया था। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल पे डेवलप कर डिपेंड करता था क्या? दो सर्फेसेस के बीच में कितना नॉर्मल एक्ट कर रहा है इस बात पे डिपेंड करता था कि कितना फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड जनरेट हो रहा है, म्यूएस इंटू नॉर्मल या म्यूके इंटू नॉर्मल, ऐसा कुछ होता था ना। विस्कस फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है नॉर्मल से, नॉर्मल क्या जनरेट हो रहा है क्या जनरेट नहीं हो रहा है इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अच्छा, सिमिलैरिटीज क्या है? तो सिमिलैरिटीज होगी कि दोनों रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। एक सॉलिड सर्फेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दूसरा लिक्विड सर्फेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये जो मैंने अभी बताया है ना, ये तुम अपने कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डीवी अपॉन डीवाई, ये dv अपॉन dy है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट या लेंथ के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। अब यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट।
वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने क्या किया था, जब हीट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो हीट वाले चैप्टर में मैंने तुमको टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया था, वो तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थे, कंडक्शन वाले में वहां पे dT अपॉन dx आया था, अगर आपको याद हो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट वहां पर था, उसी तरह यहां पर क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस ये बताएगा कि जो भी विस्कस फोर्स है, विस्कस VISCOUS विस्कस फोर्स इज ऑपोजिट, ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स क्या है, विस्कस फोर्स इज ऑपोजिट टू, विस्कस फोर्स जो है ये ऑपोजिट टू फ्लो वेलोसिटी, जिस भी डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो करेगा, जिस भी डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को क्या करना है, विस्कस फोर्स का डायरेक्शन दिखाना है। बात समझ में आया है क्या? तो अपन को इतनी बातें हमने इसे पहले वाले लेक्चर में तुमको बता दिया है कि विस्कस फोर्स होता क्या है, विस्कस फोर्स आता क्यों है, और विस्कस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, फिर इसका एसआई यूनिट में भी मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है डेकापोइज, इसका एसआई यूनिट है डेकापोइज, और मोस्ट ऑफ द टाइम या ऐसा समझ लो 80% टाइम हम क्या करते हैं, इसके सीजीएस यूनिट पे बात करते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है, पॉइज। अब ये जो पॉइज है, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट पॉइजली, पॉइजली एक ग्रीक साइंटिस्ट है शायद, उनके नाम पे ही क्या है ये यूनिट है पॉइज, और इन दोनों में रिलेशन क्या चलता है, 10 पॉइज, 10 पॉइज इक्वल्स टू 1 डेकापोइज, ठीक है, 10 पॉइजे, ये अगर कोई बंगाली होता है तो पॉइजे, 10 पॉइजे का 1 डेकापोइजे होता, ठीक है, बात समझ में आया। ये यूनिट बता दिया, ये फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चंस जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया है वो ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला तो यही यूज करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, ए जो होगा, ए का वैल्यू डिपेंड कराएगा कि आपका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, आपको ए कैलकुलेट करना, अगर आपको आ गया, ए मतलब कॉन्टैक्ट एरिया, जो भी सरफेस है, जो भी लिक्विड, जो भी सरफेस है जो स्लाइड कर रहा है उसका एरिया लिख देना, डीवी अपॉन डीवाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और ईटा जो है वो उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। आज क्या करते हैं, इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इससे आगे पढ़ने के लिए क्या है ना, एक ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, देखो जनरली तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ही मानते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, ऐसा देखा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। ये प्योरली मेंस के लिए है या प्योरली ट्रिपल ई के लिए है, कैसे ये रिलेशन लिखेंगे वो मत सोचना, सिर्फ आपको क्या करना है, ये रिलेशन याद रखना है। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ, या ऐसा लिख दो रिलेशन ऑफ विस्कोसिटी, रिलेशन ऑफ ईटा विथ टेम्परेचर, ईटा का रिलेशन अपने को टेम्परेचर से जानना है। तो क्या होता है, फॉर लिक्विड्स, अगर मैं ये आपको याद रखना है, कहां से आया कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता, बुक्स में ऐसा रहता है तो अपन हमेशा याद रख लेते हैं, मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने क्या, मैं आपको क्या कर रहा हूं ये बता दे रहा हूं। फॉर लिक्विड्स ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर, लिक्विड अगर मैं बात करूं तो लिक्विड के लिए क्या होगा, ईटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और फॉर गैसेस ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर। इसका यह मतलब है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एंड विस्कोसिटी फॉर गैसेस, विस्कोसिटी फॉर गैसेस इनक्रीजेस, ठीक है, ये अपने को क्या करना है, याद रखना है, प्योरली याद रखने की बात है, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का विस्कोसिटी कम होता जाएगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओ
तो गैस का विस्कोसिटी जो है वो बढ़ता जाएगा। कैसे आया रिलेशन, कहां से आया, ये मत सोचना, ये अपने अपने के सोचने के लिए है ही नहीं। अपने को क्या करना है, अपने को ये सिर्फ रिलेशन याद रखना है। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, दो एक इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसपे बेस्ड होके क्वेश्चन आता है। मतलब विस्कोसिटी वाला जो टॉपिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब ये बेन स्टोक ने नहीं दिया है भाई, ऐसा नहीं सोचना कि ये बेन स्टोक क्रिकेट खेलते खेलते क्या करने लगा। ये हम यहां पे क्या सीखने वाले हैं, स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं इसको, स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब स्टोक लॉ का मतलब क्या है या स्टोक्स लॉ होता क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भाई। ये जो स्टोक्स लॉ है ये इस चैप्टर में, स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही दोनों टॉपिक हैं। ठीक है, अब ये स्टोक्स लॉ क्या होता है, ये स्टोक्स लॉ हमेशा याद रखना है, ये किसके लिए है, स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और कोई शेप का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है। हम जो स्टोक्स लॉ सीख रहे हैं वो सिर्फ स्फेरिकल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। मान लो एक ऐसा सॉलिड का स्पीयर है, एक ऐसा सॉलिड का स्पीयर है जिसको क्या किया गया है, ये जेंटली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, एक सॉलिड का स्पीयर है, मान लो ये जो सॉलिड स्पीयर है ये क्या है, सॉलिड स्पीयर, ये सॉलिड स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर का रेडियस मान लो कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, और सॉलिड स्पीयर का डेंसिटी मान लो कितना है, सिग्मा। सिग्मा अपन थ्रू आउट द क्वेश्चन यूज करते हैं, स्पीयर के डेंसिटी के लिए सिग्मा यूज कर लिया। और जिस लिक्विड में या जिस फ्लूइड में ये फ्लो कर रहा है, जिस फ्लूइड में ये फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी कितना है, रो। तो यहां पे रो क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी हो गया। अच्छा, ये कुछ तो स्पीड वी से क्या कर रहा होगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कुछ तो स्पीड वी से मूव कर रहा है। तो ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि द सरफेस ऑफ फ्लूइड, द सरफेस ऑफ फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट, द सरफेस ऑफ फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विथ द स्पीयर, विथ द स्पीयर has the same velocity, has the same velocity as that of sphere, ऐसा देखा गया है। ठीक है, क्या होता है, वो जो fluid का layer है, वो जो fluid का layer है जो sphere के contact में होगा, मान लो ये fluid का layer अपन क्या कर रहे हैं, blue से ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो fluid का layer है जो air के contact में है, सॉरी जो सॉलिड के कांटेक्ट में है, जितना वेलोसिटी इसका है उतना ही वेलोसिटी इसका भी होगा। अच्छा, अगर इसका वेलोसिटी वी है तो इससे जब दूर जाते जाओगे तो वेलोसिटी क्या होता जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा होगा जब आप इससे दूर जा रहे हो तो, क्योंकि आप क्या करो, यहां से यहां इसके कारण इसके पास स्पीड आ गया था, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे इसका स्पीड कम होता जा रहा है और कुछ दूर पे जाने पर वो जीरो भी हो जाएगा। वैसे ही जब आप इस तरफ जाओगे तो जो वेलोसिटी है वो कम होता जाएगा। अच्छा, अब अगर फ्लूइड के सरफेस में या फ्लूइड के अलग अलग सरफेस में वेलोसिटी ग्रेडियंट बन रहा है तो विस्कोसिटी फोर्स जनरेट होगा क्या, रिलेटिव स्लिपिंग होने की टेंडेंसी अगर हो रही है तो विस्कोसिटी फोर्स जनरेट होगा। अब स्टोक्स ने क्या बोला कि भाई ये जो विस्कोसिटी फोर्स जो यहां पर जनरेट होगा, ये जो विस्कोसिटी फोर्स, अब अगर फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है तो यह विस्कोसिटी फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा क्या, एफ वी। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं भी करने वाला हूं, कॉलेज के एग्जाम में पूछेंगे डेरिवेशन। हमने क्या बोला कि एक सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लो, वो जेंटली कुछ तो वी स्पीड से मान लो नीचे गिर रहा था, जब वो वी स्पीड से नीचे गिर रहा था तो उसके साथ में जो एयर है या उसके आसपास में जो एयर है वो भी वी स्पीड से नीचे ड्रैग करेगा। अगर वो वी स्पीड से नीचे ड्रैग करेगा, ठीक है, तो लिक्विड जो फ्लूइड है, फ्लूइड के लेयर्स में रिलेटिव स्लिपिंग आ जाएगी, बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव स्लिपिंग एक विस्कस फोर्स जनरेट होगा। अब वो जो विस्कस फोर्स है उसी का अपने को क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो यहां पे एक और लाइन लिख देते हैं, एक और लाइन क्या लिख देते हैं, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन
बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड अ वेस्कोसिटी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो इज जनरेटेड। बात समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड अ विस्कोसिटी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो इज जनरेटेड। तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरफ जा रहा था, अब रिलेटिव स्लिपिंग के कारण क्या होगा, एक विस्कोसिटी फोर्स जनरेट होगा जो क्या होगा, फ्लो वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट है। तो एक एफवी का फोर्स जनरेट हुआ ऊपर के डायरेक्शन। अब इस एफवी का ना अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जो एफवी फोर्स जनरेट हुआ है उसका हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जो स्टोक्स साइंटिस्ट थे, ये जो साइंटिस्ट थे स्टोक्स, उन्होंने क्या देखा कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो प्रोबेबली, ये जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबली फ्लूइड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मल सा बात है कि जो भी विस्कस फोर्स होगा वो किस तरह के लिक्विड में गिर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये प्रोबेबिलिटी उसके विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबली डिपेंड कर रहा होगा उसके डायमेंशन पे, किस शेप का अपन ने, मतलब किस रेडियस का हमने स्पीयर कंसिडर किया है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। रो पे सिग्मा, सॉरी फोर्स ऑफ वेलोसिटी 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अच्छा, और एक और बात किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये डिपेंड कर रहा होगा इसके वेलोसिटी पे। मैंने तुमको डैम्पिंग फोर्स सिखाया था क्या, ये एक तरह से डैम्पिंग फोर्स ही है क्या? मैंने SHM वाले एग्जांपल में डैम्पिंग फोर्स बताया था ना, और मैंने तुमको वहां पे बताया था कि जो भी डैम्पिंग फोर्स होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है क्या? एफ डी वहां पे बी इंटू वी से लिखा था, जहां पे बी डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग कांस्टेंट था और वी उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहां पर भी जो डैम्पिंग फोर्स लगेगा वो उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये जो मैंने लिखा है कि ये ईटा पे आर पे वी पे डिपेंड करेगा, ये अभी अधूरा है। कैसे? मैं बोलता हूं कि मान लो काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है क्या? इसका मतलब वो जो पार्टिकल है, वो जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ, हाफ तो कांस्टेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे डिपेंड कर रहा है और स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो मैंने यहां पर ऐसा लिखा है कि ईटा आर और वी पे डिपेंड कर रहा है, ईटा आर और वी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कौन से पावर पर डिपेंड कर रहा है ये मुझे पता है क्या? जैसे काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास का कौन सा पावर और स्पीड का कौन सा पावर है ये अपने को पता है क्या? मास का पावर 1 होना है, स्पीड का पावर 2 होना है, ऐसा कुछ होना है ना। तो यहां पर भी जो ये जो विस्कोसिटी फोर्स है वो ईटा आर और वी पर डिपेंड कर रहा है, ईटा आर और वी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस पावर पर डिपेंड कर रहा है ये अपने को पता है क्या? नहीं। तो ये पावर को कैलकुलेट करने के लिए, ये जो पावर वाला टर्म है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस कैसे यूज करेंगे, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ईटा के पावर एक्स पे, आर के पावर वाई पे और वी के पावर जेड पे डिपेंड कर रहा है। मैं ऐसा मान लेता हूं ये जो विस्कस फोर्स है, देखो स्टोक्स ने ये एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिया कि वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्पीयर और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ स्पीयर, इन तीन बातों पे डिपेंड करेगा, ये उसने एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन किस पावर पर डिपेंड करेगा, किस पावर पर डिपेंड करेगा वो कैलकुलेट करना है अपने को, मतलब अपने अपने को क्या करना है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, जिसको हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फाइंड करेंगे। ऐसा कुछ मैंने आपको जब डायमेंशंस पढ़ाया था तब भी सिखाया था, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन अब मैं बताने वाला हूं ना, ये डेरिवेशन तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में भी आता है, तो डेरिवेशन आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, सम कॉन्स्टेंट ईटा का पावर एक्स, आर का पावर वाई, वी का पावर जेड, ये जो फोर्स है। अब अगर मैं दोनों तरफ डायमेंशन लिख दूं, ऐसा लिख रहा हूं,
एम्बुलेंस आई है, किसी को जाना है तो वो जा सकते हैं भाई। डायमेंशन ऑफ ईटा टू द पावर एक्स इन टू ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ आर पावर वाई और डायमेंशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड पावर जेड, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा ये के एक न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। फोर्स का डायमेंशन, विस्कोसिटी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, घर का फोर्स हो, बाहर का फोर्स हो, देसी हो, विदेशी हो, कोई भी फोर्स हो, कैसा भी फोर्स है उसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर नहीं, एम एल टी माइनस टू। कैसा भी फोर्स होगा उसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई कि फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। याद करो जब छोटे बच्चे होगे तो तुमको घर बताया जाता होगा भाई याद कर लो फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। ईटा, ईटा का डायमेंशन इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने फाइंड किया था, ईटा का डायमेंशन फाइंड किया था और वो शायद आया था एम एल माइनस वन टी माइनस वन का पावर एक्स। ठीक है, ये ईटा का डायमेंशन आया था ना एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ईटा अपन ने कैसे फाइंड किया था चेक कर लेते हैं भाई, तो गलत हो जाएगा तो पूरा किए किराए पे पानी फिर जाएगा। फोर्स अपन ने फाइंड किया था ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स, तो यहां पे इसका डायमेंशन क्या था एम एल टी माइनस टू। एरिया के लिए अपन क्या यूज करते हैं एल स्क्वायर, डीवी के लिए क्या यूज करते हैं एल टी माइनस वन और डीएक्स के लिए वापस से एल। ये एल से ये एल गायब, तो ये एल का पावर माइनस वन और टी का पावर माइनस वन। सही है भाई, मेरे को भी चीजें याद रहनी स्टार्ट हो गई है, कुछ तो हुआ है, चीजें याद हो गई है अब मेरे को, चीजें याद हो रही है मेरे को, अच्छी बात। कल नहीं सैटरडे को डिराइव किया था, अभी तक याद है मेरे को। एम एल माइनस वन टी माइनस वन टू द पावर एक्स, आर आर तो भाई लेंथ है तो लेंथ का पावर वाई और वी क्या है एल टी माइनस वन और इसका पावर क्या रखना है अपने को जेड। बात समझ में आया क्या? तो मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ के डायमेंशन को लिख दिया। अब दोनों तरफ के डायमेंशन अगर ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सैटिस्फाई करेंगे, अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सैटिस्फाई करेंगे तो दोनों तरफ डायमेंशनली क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो बस अब कंपेयर कर देना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं यहां पर m का वैल्यू कितना है 1, मतलब m का पावर यहां पर 1 है। यहां पर m का पावर क्या आ जाएगा, m का पावर x आ जाएगा, m का पावर आ गया x। m का कोई टर्म नहीं, m का कोई टर्म नहीं, मतलब x इक्वल्स टू 1 पहला इक्वेशन बन गया। l का पावर क्या है 1, l का पावर 1, यहां पे l का पावर माइनस एक्स, l का पावर माइनस एक्स, l का पावर y और l का पावर z। अच्छा ये x तो मेरे पास 1 था, ये 1 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 जब उधर आया 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू y प्लस z, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन बन गया। t टू द पावर, देखो t का पावर माइनस 2 है, यहां पे t का पावर क्या है माइनस एक्स और यहां पर t का पावर क्या है माइनस z। अब ये माइनस एक्स ये क्या है, ये तो माइनस 1 हो गया, उधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस जेड जो है वो माइनस 2 हो गया क्या। अच्छा मेरे को बहुत लोग पूछा सर आप जेड लेके ऐसे कट क्यों कर देते हो, देखो अगर मैंने नहीं कट किया था ना तो ये 2 और ये जेड दोनों तुमको लगता है एक ही है, 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, मेरे हैंडराइटिंग का दोष है। वो बचपन मेरी हिंदी वाली टीचर ने मेरे को मार मार के मेरे हाथ खराब कर दिए थे, तब से मेरी हैंडराइटिंग सुधरी नहीं कभी, मतलब ठीक होने का चांस ही नहीं, हाथ ही टेढ़ा हो गया मेरा भाई, कोई चांस ही नहीं ठीक होने का। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 2 और ये इधर आ जाएगा प्लस 1। बात समझ में आ रहा है, ये माइनस जेड इधर रहने दिया, ये माइनस 2 प्लस 1, हाँ तो जेड का वैल्यू कितना आ जा रहा है, जेड का वैल्यू 1 यहां से आ जा रहा है क्या। अगर जेड का वैल्यू 1 यहां पे सब्सिट्यूट कर दोगे तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा 1, एक्स भी 1, वाई भी 1, जेड भी 1, सब 1 1 1, सब अगर 1 तो आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा 1। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा एफ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के लिया था हमने, ईटा का पावर एक्स पावर 1 हो गया, आर का पावर वाई 1 हो गया और क्या था एक टर्म वी का पावर 1। तो हमारे पास ये जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है, अब ये जो के है ना, के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखा गया है वो 6 पाई के बराबर होता है, तो फॉर्मूला जो याद रखना है 6 पाई ईटा आर वी, सोते जागते हंसते खेलते विस्कोसिटी फोर्स का जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है।
मतलब अगर तुम मर रहे हो, मान लो तुम मरने वाले हो, कोरोना ने तुमको घेर लिया है, तुम मरने वाले हो, मरते मरते तुमने बोला कि अविनाश सर से मिलना है अपने को, मैंने बोला कि ठीक है भाई मिल लेते हैं, मर रहा है मिल लेते हैं जाके, मैंने पूछा कि भाई विस्कोसिटी फोर्स क्या होता है, तो तुमको पता होना चाहिए उस समय कि विस्कोसिटी फोर्स क्या होता है, ठीक है। एफ वी इक्वल्स टू 6 pi eta rv, ये अपने को फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। मतलब जब भी एक सॉलिड स्पीयर है वो लिक्विड के सरफेस में जेंटली गिर रहा है, तो उस पर एक विस्कोसिटी फोर्स लगता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 6 pi eta r into v। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड एक कंसेप्ट होता है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है टर्मिनल वेलोसिटी। भर भर के क्वेश्चन आएंगे टर्मिनल वेलोसिटी पर, ठीक है। अब टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है वो देखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है वो देखते हैं। मान लो मैंने एक सॉलिड स्पीयर लिया है, ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर, और इसको यहां पे क्या किया है, ड्रॉप किया है अपन ने, इसको अपन ने क्या किया, ड्रॉप किया, और ये जो सॉलिड स्पीयर है वो किसी फ्लूइड में रखा हुआ है, ठीक है। द सॉलिड स्पीयर जो था यहां पर, द सॉलिड स्पीयर इज placed in a fluid of density. The solid sphere is placed in a fluid of density rho. ठीक है, मतलब ये जो सराउंडिंग फ्लूइड है, ये सराउंडिंग फ्लूइड एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये जो सराउंडिंग एयर है इसका डेंसिटी कितना है, रो। द सॉलिड स्पीयर इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्पीयर, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्पीयर इज सिग्मा, ये जो सॉलिड स्पीयर है उसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा। इसका रेडियस मान लो ये स्मॉल आर है जैसा पहले चल रहा था, और ये भी मेंशन है कि सिग्मा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है रो से, मतलब सॉलिड जो हमने स्पीयर लिया उसका डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड के डेंसिटी से। अच्छा, अगर सॉलिड का डेंसिटी हमने ज्यादा रखा है, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा रखा है तो वो क्या करेगा, वो नीचे गिरेगा क्या, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा तो वो क्या करेगा, नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अच्छा, अभी क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं यहां पर, अभी इसका वेलोसिटी जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पर अगर आप देखोगे तो इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इस वाले इंस्टेंट पर अगर मैं बात करूं, ये कौन सा इंस्टेंट है, ये टी इक्वल टू जीरो का डायग्राम है, टी इक्वल टू जीरो सेकंड पर अगर मैं बात करूं तो टी इक्वल टू जीरो सेकंड पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहां पर सारा का सारा खेल डायग्राम का है, डायग्राम ध्यान से समझना है आपको। टी इक्वल टू जीरो सेकंड पर सबसे पहला फोर्स जो दिखाएंगे वो इसका वेट फोर्स दिखाएंगे, क्या वेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका मास मुझे लिखना है, मास कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला फोर्स जो दिखाएंगे 4/3 πr³ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, इसका वेट फोर्स नीचे लग रहा होगा। अच्छा, फिर फ्लूइड में हमने और कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हैं, जब भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डूबा होता है, एयर भी एक फ्लूइड है भाई, जब भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड में डूबा होता है फोर्स ऑफ बायंसी लगती है क्या। अब वो जो फोर्स ऑफ बायंसी लगती है उसका डायरेक्शन ऊपर होता है और वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है, तो इस केस में अभी क्या हो रहा होगा, एक फोर्स ऑफ बायंसी भी ऊपर लग रहा होगा, एक फोर्स ऑफ बायंसी भी ऊपर लग रहा होगा। अब ये जो फोर्स ऑफ बायंसी होगा उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, पूरा का पूरा वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर डूबा है ना, अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर डूबा है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में अपन ने लिखा 4/3 πr³ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना, रो इनटू जी, ये वेट ऑफ फ्लूइड हो गया क्या, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस।
तो t इक्वल्स टू जीरो में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, अब t इक्वल्स टू जीरो में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, और इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो सिंस सिग्मा का वैल्यू अपन ने रो से ज्यादा रखा है, सिग्मा का वैल्यू रो से ज्यादा रखा है, मतलब नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में मिलेगा क्या? अब अगर नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में मिल रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट नेट फोर्स ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। अब मान लो ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे आते वक्त कुछ तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि एट एनी टाइम स्मॉल टी टी इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल स्पीड क्या था? जीरो था। क्या क्या फोर्सेस लग रहा था टी इक्वल्स टू जीरो पर? वेट और फोर्स ऑफ बायंसी। एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे अगर बात करोगे तो वेट अभी भी लग रहा है, वेट पर कोई नहीं चेंज आया, 4/3 pi r³ σ × g, फोर्स ऑफ बायंसी भी अभी भी लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी अभी भी लगेगा, और फोर्स ऑफ बायंसी कितना लगेगा? फोर्स ऑफ बायंसी में भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि अभी भी पूरा का पूरा डूबा हुआ है, तो 4/3 pi r³ρ × g अभी फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा। अच्छा, अब इसके पास एक स्पीड भी आ गया क्या? ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था एक्सेलरेशन के कारण, इस इंस्टेंट पर इसके पास एक स्पीड भी आ गया है, और वो जो स्पीड है वो नीचे के डायरेक्शन में। अभी तो हमने स्टोक्स थ्योरम से पढ़ा था कि अगर ये पार्टिकल नीचे वी वेलोसिटी से चल रहा होगा तो लिक्विड क्या करेगा, एक विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ लगाएगा, और वो जो विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ आता है उसको फाइंड कैसे करते हैं? 6 pi eta r × v से फाइंड करते हैं क्या? तो ये ईटा किसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है? ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां पे ये लिख लेना। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है सर, ये सब सिंपल है भाई। टी इक्वल्स टू जीरो पर अगर देखोगे तो टी इक्वल्स टू जीरो पर सिर्फ दो फोर्सेस, एक तो वेट फोर्स नीचे और दूसरा फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने टी इक्वल्स टू जीरो पे बात किया। अब अगर मैं बात करूं किसी जनरल टाइम टी पर, तो किसी जनरल टाइम टी पर अगर आप देखोगे तो तीन फोर्सेस दिखेंगे तुमको, वेट है, वेट का वैल्यू अनचेंज है, फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू भी अनचेंज है, लेकिन अब ऊपर के डायरेक्शन में एक और फोर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? 6 pi eta r × v। ऊपर के डायरेक्शन में एक और फोर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 pi eta r × v, ठीक है भाई। अब अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं इस पे वो जो स्पीयर है उस पर नेट फोर्स देखूं, मतलब अब ये मैंने डायग्राम बना दिया ना, अब मुझे बस क्या करना है, इक्वेशन लिखना है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ये सब तुमको अभी समझ में आ जाए, टेंशन मत लेना, आसान होता है ये। एट एनी टाइम स्मॉल टी क्या क्या फोर्सेस हैं भाई? तो मेरे पास एक तो वेट फोर्स है नीचे, वेट फोर्स को रोकने का काम कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ बायंसी भी कर रहा है और विस्कस फोर्स भी काम कर रहा है, बायंसी फोर्स और विस्कस फोर्स, ये दोनों सॉल्व करने पर नेट फोर्स आ गया। न्यूटन के सेकेंड लॉ से नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं क्या? तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं उस पर फोर्स का रिलेशन लिखूं तो नेट फोर्स हो जाएगा वेट माइनस फोर्स ऑफ बायंसी माइनस विस्कस फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स हो गया। अच्छा, अब ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। कैसे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये नीचे की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, मतलब वेट फोर्स डोमिनेटिंग होगा तभी तो नीचे की तरफ भाग रहा है। अगर नीचे की तरफ नेट फोर्स है, इसका मतलब नीचे के डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है। अगर नीचे के डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, हम क्या बोल सकते हैं? विथ टाइम वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर, विथ टाइम वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर इंक्रीजेस, विथ टाइम वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब अगर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है
तो एक ऐसा टाइम आएगा क्या जब वेट जो है, एक ऐसा टाइम आएगा जब वेट जो है वो विस्कोसिटी फोर्स और बायंसी फोर्स के सम से बैलेंस हो जाएगा। अब जैसी ही विस्कोसिटी फोर्स और फोर्स ऑफ बायंसी बैलेंस्ड हो जाएगा, जैसी ही विस्कोसिटी फोर्स और फोर्स ऑफ बायंसी वेट को बैलेंस कर लेगा, उस समय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी जितना इंक्रीज होना था, वेलोसिटी जितना इंक्रीज होना था इंक्रीज हो गया, इससे ज्यादा इंक्रीज हो पाएगा क्या, नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि विद टाइम वी ऑफ द स्पीयर इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज एफ पी इंक्रीजेस एट एनी टाइम टीवी, टीवी क्यों लिख रहे हैं समझ में आ जाएगा तुमको, एट एनी टाइम टीवी वेट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ब्योयंसी प्लस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एट दिस इंस्टेंट एफ नेट इक्वल्स टू जीरो, दैट इंप्लाइज ए नेट इक्वल्स टू जीरो, दैट इंप्लाइज वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। सर देखो भाई, एकदम सीक्वेंस से याद रखोगे तो बहुत ही आसान है। क्या बोल रहे हैं, टी इक्वल्स टू जीरो पर जब मैंने उसको ड्रॉप कराया, तो वेट था नीचे और फोर्स ऑफ ब्रायंसी था ऊपर। अब सिंस मैंने रो का वैल्यू ज्यादा रखा है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स है, तो वो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन उसमें स्पीड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर जो डायग्राम है उसमें अगर देखोगे तो वेट, फोर्स ऑफ ब्रायंसी के अलावा एक विस्कस फोर्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो विस्कस फोर्स है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का, वो क्या लिखते हैं, 6 पाई ईटा आर इन टू वी। तो एट एनी टाइम टी पे जो मैंने इक्वेशन बनाया है वो है वेट माइनस फोर्स ऑफ बायंसी माइनस विस्कस फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका, तो वो जो सॉलिड स्पीयर मैंने लिया है उसका मास। अब इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखेंगे तो सिंस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है स्पीयर का वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो जो विस्कस फोर्स है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब वेट फोर्स ऑफ ब्रायंसी और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के सम से बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही वेट फोर्स ऑफ ब्रायंसी और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी से बैलेंस हो गया, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो, हो गया इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम आ चुका होगा, वेलोसिटी इसके बाद और इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन था। अब सिंस एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो स्पीयर ने अटेन कर लिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। आई होप ये कहानी तुमको समझ में आया होगा, ये कहानी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी बढ़ रहा था, अब जैसे ही फोर्स इक्विलिब्रियम में आए तो नेट फोर्स जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो वेलोसिटी जितना बढ़ना था बढ़ चुका। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता है उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब मुझे क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करेंगे। यहां से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेट को अपन क्या लिखते हैं, वेट होगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, ये लिखेंगे। अच्छा, फोर्स ऑफ ब्रायंसी को क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ये हो गया हमारे पास। और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ये होता है 6/ईटा आर वी। अब ये जो वेलोसिटी यहां पे होगा ना, इस वाले इंस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे जो वेलोसिटी वो कोई नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, वो कौन सा वेलोसिटी है, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसको लिख दे रहे हैं वी टी, वी सब्सक्रिप्ट टी। यहां पे वी सब्सक्रिप्ट टी क्या है, तो वी सब्सक्रिप्ट टी यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी
v सबस्क्रिप्ट t जो है वो यहां पर क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4 बाई 3 पाई आर क्यूब वाले टर्म को अगर मैं इधर रख दूं तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन था और ये सिग्मा माइनस रो ऐसा कुछ हो गया इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी। कुछ कैंसिल हो रहे हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो भाई, ग्रीन से कैंसिल करते हैं, जो भी कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। मैं देख लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है, लंबा वीडियो बन गया है भाई, रुकना तो जरूरी है इसमें। 46, 36 इतना चलो हो तो रहा है लग रहा है। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे ना, देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पाई से पाई गया ये और यहां पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन गया 2, ये बन गया 3। अब अगर एक साथ करके इसको लिख दे, थोड़ा अच्छे से लिख दे, प्यार से लिख दे अगर इसको, तो क्या हो जाएगा 2, ये 3 नीचे आके इसको 9 बना देगा, आर का स्क्वायर बचेगा, जी बचेगा, डिवाइडेड बाई ईटा बचेगा, और यहां पे क्या बच रहा है, सिग्मा माइनस रो इक्वल्स टू वी टी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जो अपने को क्या करना है, याद रखना है। अब इसके बाद जो हम आगे पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी पे ही पढ़ाएंगे, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पे ही क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सॉल्व करना आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें इतना रहने देते हैं, थोड़ा रुक के और लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं अभी, ठीक है, इतना ध्यान से लिख लेना। आपको स्टार्ट करते हैं, तो ये मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी का क्या हुआ था, फॉर्मूला आ गया था। अब इसमें ना फॉर्मूले को अगर एनालाइज करोगे तो ध्यान से देखो, 2 9 आर स्क्वायर जी ईटा, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए कांस्टेंट होगा। अब अगर ये सब कांस्टेंट, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ईटा, ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, इसका मतलब जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड कंसिडर करेंगे, जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड कंसिडर करेंगे उसमें टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू उतना ही कम आएगा क्या, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन में। अच्छा एक और चीज आपको यहां पे जो नोट करना है, आर स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है इसका, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है ना, तुम देखना है जब बारिश हो रही है, जब बारिश होती है तो वो जो बारिश की बूंदे, जो छोटी छोटी बूंदे होती है बारिश की जो छोटी छोटी बूंदे होती है, आज कल हुई भी थी बारिश को जो छोटी छोटी बूंदे होती है वो एकदम आराम से आके हिट करती, एकदम प्यार से, एकदम हौले हौले, एकदम आराम से। लेकिन वो जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे होती है, ठपक 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 ऐसे हिट करती है क्या, क्यों, क्योंकि जो बारिश की छोटी बूंदे होंगी, मतलब उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा ना, तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। कम टर्मिनल वेलोसिटी से वो हिट करे तो मोमेंटम चेंज कम होगा, तो फोर्स जो जनरेट होगा वो भी कम होगा। लेकिन जो बारिश की बड़ी बूंदे हैं उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगा क्या, तो अपन ऐसा देख रहे हैं, हम क्या, हमने क्या बोला कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिक्विड के विस्कोसिटी से, ठीक है। तो जितना विस्कस लिक्विड होगा वहां पे टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू उतना ही कम आएगा, ठीक है। अच्छा फिर हमने ये देखा कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर पे, इसका एग्जांपल क्या है, रेन ड्रॉप्स, इसका एग्जांपल क्या है याद रखना, रेन ड्रॉप्स, वो जो छोटे ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही प्यार से आके हिट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो बड़े ड्रॉप्स होते हैं वो आके मारते हैं अपने को। अच्छा और यहां पे एक और फैक्टर है, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो सिग्मा माइनस रो पे डिपेंड कर रहा है, इसमें सिग्मा क्या था, ये सॉलिड का डेंसिटी था और रो क्या है, जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी है। अब अगर सिग्मा का वैल्यू, इस वाले में अपन ऐसा लिखेंगे, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, अगर सिग्मा का वैल्यू रो से ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, टर्मिनल वेलोसिटी जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, इफ सिग्मा इज लेस देन रो, तो टर्मिनल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा ना यहां पर। अब इसका एग्जाम्पल समझो, जब तुम क्या करोगे, एक ऐसा इमेजिन करो कि पूरा लिक्विड का एक ऐसा सरफेस है, वहां पे तुमने एक वो जो भाई आयरन के बॉल्स होते हैं, जो छर्रे होते हैं, वो उसको अगर ड्रॉप कर दिया तो आयरन के बॉल्स की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड की डेंसिटी, तो वो नीचे सिंक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसी वाटर में जो एयर के बबल्स होते हैं वो उठ के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं क्या, क्यों, क्योंकि अगर ये सिग्मा
सिग्मा का वैल्यू ज्यादा अगर हो गया, अगर सिग्मा का वैल्यू ज्यादा हो गया तो वो नीचे सिंक करेगा, लेकिन अगर सिग्मा कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटीज के एप्लीकेशन, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी वाले फॉर्मूले के कुछ एप्लीकेशन है। अब सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तुमको क्या करना है, ये रिलेशन याद रखना है, ये वैल्यूज पुट करना और वो रिलेशन वहां पे जो मैंने ये लिखा है। एक और चीज जो याद रखोगे, एक ग्राफ होता है, ग्राफ होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। जब अपन ने स्टार्ट किया तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ये क्या होता है, समय के साथ इंक्रीज करता है, समय के साथ इंक्रीज करता है, और फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा, जैसी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। तो ये ग्राफ अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो मेडिकल के सिलेबस के हिसाब से, मेडिकल के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो विस्कोसिटी इतना ही है, विस्कोसिटी खत्म हो गया उनके लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं और पढ़ाऊंगा अभी जेई के सिलेबस के हिसाब से, तो जो थोड़ा बहुत, अब मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन को बंद, मतलब अपने वीडियो लेक्चर को बंद कर सकते हैं, इससे आगे उनको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो जेई वाले बच्चे हैं, अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूं सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, तो जो जेई वाले बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी सीखना पड़ेगा यहां पर। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया ना, वो अपने को सीखना है कि कैसे बना भाई, ये जो ग्राफ बनाया हमने स्पीड और टाइम पे, ये ग्राफ कैसे आया वो भी अपने को सीखना है, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे इतना मैथ्स जानते नहीं, वो ग्राफ और उतना एनालाइज करना उनको मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको सिलेबस में बस क्या करना है, ग्राफ याद रख लेना है। आपको ग्राफ डिराइव करना है, मतलब ग्राफ बनाने के लिए वी और टी में रिलेशन फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये जो मैं पढ़ाऊंगा, ये जो भी मैं कंसेप्ट के नाम से पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं कंसेप्ट के नाम से पढ़ा रहा हूं, वो ऐसे वो जो भी मैं कंसेप्ट के नाम से पढ़ा रहा हूं ना, वो एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अभी देखो, हमने क्या बोला था कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, इस पे इसका वेट लगा था 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इन टू जी, इसका वेट नीचे लग रहा था, 482 ऊपर लगा था 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्मॉल आर लिया है, स्मॉल आर क्यूब रो जी। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, टर्मिनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी होता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, वी मान लेते हो, 6 पाई ईटा आर इन टू वी, लिख सकते हैं क्या ऐसा। अगर मैं लिखूं नेट फोर्स, एफ नेट, अगर मैं नेट फोर्स के बारे में बात करूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, वेट नीचे है, ठीक है, ये जी कॉमन लेके यहां पे सिग्मा माइनस रो, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, और इसके अलावा इसको और कौन रोक रहा है, इसको रोक रहा है 6 पाई ईटा आर इन टू वी। अच्छा, एफ नेट का मतलब होता है, एफ नेट का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट का मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये मास किसका, वो सॉलिड स्पेयर का मास लिखना है अपने को, इसको फिर से लिख देते हैं एक बार, 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो माइनस 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये जो मास है, इस मास वाले टर्म को अपन क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा, ये मास को ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उसको अपन ने क्या लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू ए, 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो माइनस 6 पाई ईटा आर वी। अब अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा आसान बनाना है, क्यों आसान, अपन ढूंढ क्या रहे हैं, अपन ढूंढने वाले हैं किसी भी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी और टाइम पर, वो जो स्पीयर है, स्पीयर के वेलोसिटी और टाइम पर क्या रिलेशन है किसी भी टाइम पर, वो ढूंढने वाले हैं। अब वो ढूंढने के लिए ना, इसको आसान बनाते हैं, आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को उधर भेज देंगे अगर, तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये 4/3 वाला टर्म जब पूरा आएगा इधर, तो 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बच रहा है हमारे पास जी, जी वाला टर्म रहेगा, ठीक है, सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय सिग्मा, इस पूरे को उठा के मैंने यहां पे रख दिया, तो यहां पे ए बच रहा है, बाकी पूरे टर्म को यहां पे रख दिया, माइनस 6 पाई ईटा आर इंटू वी डिवाइडेड बाई 6 पाई आर इंटू वी डिवाइडेड बाई 4
इंटू थ्री पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, और एक टर्म और आएगा सिग्मा। लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब इसको और आसान बनाते हैं। और आसान कैसे बनाएंगे? ये बना दो तीन, ये बना दो दो, पाई से पाई कर दो कैंसिल, ये आर रहने दो और ये कर दो स्क्वेयर। बात समझ में आ रहा है? तो जो बचा हुआ टर्म है उसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। अब ये प्योर कैलकुलेशन है, ऐसा कैलकुलेशन तुमने अगर ढंग से काइनेमेटिक्स सॉल्व किया होगा तो वहां पे भी तुमको ऐसा कुछ मिला होगा टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या? डीवी अपॉन डीटी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे उस स्पीयर का क्या वेलोसिटी है, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीयर का क्या वेलोसिटी है, यही तो अपने को कैलकुलेट करना है। तो मैंने लिख दिया डीवी अपॉन डीटी। चलिए ये माइक परेशान कर रहा है। डीवी अपॉन डीटी इक्वल्स टू जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये हो सकता है टर्म, ठीक है। और यहां पे क्या बच रहा है? माइनस में नाइन ईटा इंटू वी, माइनस में नाइन ईटा इंटू वी डिवाइडेड बाय टू आर स्क्वेयर सिग्मा, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ या ना? अच्छा अभी ये पूरा टर्म देखो, तो जी सिग्मा रो सिग्मा सब कांस्टेंट है क्या? वो चेंज हो रहे हैं क्या टाइम के हिसाब से? नहीं, वो तो नहीं टाइम चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा जो टर्म है उसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूं। क्यों कांस्टेंट मान रहे हैं वो तुमको अभी पता चल जाएगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जी सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, इसको मैं कांस्टेंट मान ले रहा हूं के, ठीक है। फिर नाइन इंटू ईटा डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर, इसको भी कांस्टेंट मान सकते हैं। टाइम के हिसाब से ना नाइन चेंज हो रहा है, ना ईटा चेंज हो रहा है, टू चेंज हो रहा है, ना आर चेंज हो रहा है, सिग्मा चेंज हो रहा है। तो ऐसा मान लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसा क्यों मान रहे हो? तो ये बहुत ही भारी भरकम इक्वेशन देख रहा है, उसको थोड़ा आसान बनाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा मान रहे हैं। तो अभी तुमको साफ साफ आंसर देखना स्टार्ट हो जाएगा। सी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास नाइन बाई टू ईटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सिग्मा। वो वी जो है वो चेंज हो रहा है, उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो देखो ये जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, डीवी अपॉन डीटी इक्वल्स टू के माइनस सीवी। हाँ या ना? डीवी अपॉन डीटी इक्वल्स टू के माइनस सीवी। मैंने क्या किया, जो भी वो इक्वेशन था उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ कांस्टेंट्स को एक अलग सा कांस्टेंट मान दिया है, जिससे क्या हो जाएगा इक्वेशन थोड़ा छोटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं क्या? इस वाले इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, डीवी अपॉन के माइनस सीवी, डीवी अपॉन के माइनस सीवी इक्वल्स टू डीटी। लिख सकते हैं क्या? इस पूरे को उधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया। अब इससे आगे अगर बढ़ना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पे लिमिट जीरो। जब यहां पे जीरो है तो स्पीड कितना था? स्पीड जीरो था ना, टर्मिनल अपन ने जब स्टार्ट किया था वेलोसिटी जीरो था। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर क्या वेलोसिटी होगा, वही तो कैलकुलेट करना है ना। अच्छा डीवी अपॉन के माइनस ईवी, ये एलएन के जैसा इसका इंटीग्रेशन है क्या? एलएन के जैसा इसका इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एलएन के माइनस सीवी डिवाइडेड बाय माइनस ई। सर मेरे को ऐसा इंटीग्रेशन नहीं आता है, इस तरह का इंटीग्रेशन मैंने बहुत बार बताया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ता है। के माइनस सीवी को टी मान लेना, टी मान के उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, एलएन के माइनस सीवी डिवाइडेड बाय माइनस सी, लिमिट जीरो से वी तक, और यहां पर क्या हो जाएगा? टी, ठीक है। अब ये जो भी आया है, ये जो भी आया है उसमें लिमिट्स क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तुमको ऐसा लग रहा होगा सर ये बहुत ही भारी है, लेकिन अगर तुमको कैलकुलेशन आता होगा ना तो बहुत ही आसान है भाई। वी और टी में रिलेशन निकाल रहा है, वी और टी में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम का जो एक्सेलरेशन था पहले उसका इक्वेशन बना दिया, उस एक्सेलरेशन को डीवी अपॉन डीटी लिख दे रहा है। अब इसके बाद जो भी है वो कैलकुलेशन है। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आसान होता है, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल होता है। अब कंसेप्ट फिजिक्स बोले तो फिजिक्स खत्म हो गया है, सिर्फ मैथ्स मैथ्स सीख रहे हैं यहां पे। जब यहां पे अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये माइनस सी वाला टर्म कांस्टेंट है उसको उधर भेज देते हैं। तो अपर लिमिट, अपर लिमिट में हो जाएगा एल एन के माइनस सीवी हो जाएगा,
वी रख दिया, और लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो वी जीरो हो जाए तो डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, अपर लिमिट डिवाइडेड बाई लोअर लिमिट इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी टी। अब इसको थोड़ा और अच्छा अगर लिखना है तो ln वाले टर्म को उधर भेज दो, तो k माइनस सी वी अपॉन के इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस सी टी, लिख सकते हैं ऐसा, मतलब k माइनस सी वी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ e माइनस सी टी। अपने को v निकालना है तो सी वी वाले टर्म को उधर रख दो, इसको इधर रख दो, तो k वन माइनस ई माइनस सी टी इक्वल्स टू प्लस सी वी, और ये सी को ना इधर वापस लाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपना वेलोसिटी का इक्वेशन है जो आया है, क्या आया है, v इक्वल्स टू k अपॉन सी वन माइनस ई टू पावर माइनस सी टी। अब इसमें ना जो जो भी कांस्टेंट के वैल्यूज आए थे, मतलब जो जो भी k और c के वैल्यूज थे वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये v और t में रिलेशन है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करना, k का भी मैंने वैल्यू आपको बता दिया है, c का वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसको आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, जब t इक्वल्स टू जीरो है, जब t इक्वल्स टू जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया क्या, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, तो वेलोसिटी जीरो आना चाहिए था, जीरो आ रहा है। अच्छा, फिर टर्मिनल वेलोसिटी, अगर मैं वो कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी का टाइम, मतलब ऐसा पूछा गया कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अटेन्ड, तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू यहां पे पुट करना, ये सब पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखो स्टार्टिंग से मैंने क्या किया, मेरे पास रिलेशन था ना, नेट फोर्स का रिलेशन था, नेट फोर्स से अपन ने एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल दिया। अब वो जो एक्सेलरेशन का टर्म आया था, तो कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम है, लेकिन कंसेप्ट अगर सोचोगे तो फिजिक्स तो बहुत ही आसान है भाई यहां पर। अब वहां पे जो टर्म आया था, टर्म क्या आया था, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, के बाई सी वन माइनस ई टू पावर माइनस सी टी, मतलब ऐसा कुछ हमारे पास सॉल्व करने पर। अच्छा, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया था नेट फोर्स से, एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो एक्सेलरेशन को लिख दिया था डीवी अपॉन डीटी। अब एक्सेलरेशन को डीवी अपॉन डीटी लिख दिया, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करना ही मुश्किल है यहां पर, क्यों, क्योंकि भारी भरकम सा इक्वेशन बन रहा है, देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो मैंने इसको आसान बनाने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट मान लिए हैं के और सी नाम के। अब के और सी के टर्म्स मैंने इक्वेशन बना दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, के बाई सी ब्रैकेट में वन माइनस ई माइनस सी टी इक्वल्स टू वी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो अगर तुम सोचो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम था, मुश्किल ये क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द इक्वेशन। तो इतना कुछ आपको क्या करना है, इसमें ध्यान से देख के रखना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो अपन नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आज नहीं करते अपन, इतना जो थ्योरी है वो आज थ्योरी आज अपने अपने कॉपी में आप ध्यान से लिख लेना, नेक्स्ट वाले क्लास में इसमें क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बता देंगे। अच्छा, आपको वो बर्नौलीज प्रिंसिपल के, वो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इस संडे नहीं यार, मैं फिर से टेस्ट लूंगा, फ्लूइड में टेस्ट लूंगा, पूरा फ्लूइड मतलब स्टार्टिंग से लेके पूरा फ्लूइड तक, नेक्स्ट संडे में सरफेस टेंशन एक छोटा टॉपिक बचेगा दो लेक्चर का, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो पूरे फ्लूइड का भी एक टेस्ट होगा, ठीक है। और जिन लोग जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं भाई, वो अपना समझेंगे क्या करना है, उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, जो टेस्ट दे रहे हैं वो डाउट पूछ सकते हैं, जो भी उनको डाउट हुआ था टेस्ट में। बात समझ में आया, तो इतना ही रहने देते हैं।